नमस्कार दोस्तों, आज हम सुखना झील को वर्चुअली एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरी झील है। ये चंडीगढ़ के पूर्व में स्थित है। हम झील की ओर जाने के लिए दक्षिण छोर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम दक्षिण से एंटर कर रहे हैं। ये दाईं ओर चैनल दिख रहा है। ये जब बरसात के दिनों में पानी ओवर हो जाता है तो यहाँ से इसके गेट से गेट खोल करके पानी की निकासी यहाँ से की जाती है। स्कल्पचर बना है, दो पत्थरों को जोड़ करके इसको बनाया गया है। जो हरी घास जैसी दिखाई दे रही है, ये एक खरपतवार है। इसको जल गुंडी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सफाई ना की जाए तो ये धीरे धीरे पूरी झील को खा जाएगी। सड़क के किनारे बहुत ही मनमोहक फूल और ये हेज लगाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। या बॉटल पाम और दूसरे कई तरह के पौधे आपको नज़र आएंगे। सवेरे सवेरे लोग यहाँ पर टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाईं ओर बहुत ही मनमोहक दृश्य है। बड़ी खास बात यह है कि ये बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा है। यहाँ पे लोग पूरे नियमों का पालन करते हैं। कोई भी तिनका आपको नज़र नहीं आएगा। चारों ओर डस्टबिन लगे हैं। लोग किसी भी तरह का कूड़ा, किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक का बैग, थैली या खाने की चीज़ों से निकले हुए रैपर सभी को डस्टबिन में डालते हैं। क्या ही अच्छा होगा अगर पूरे चंडीगढ़ में या पूरे भारत में इसी तरह से सफाई हो। चलिए मैं सुखना झील की ब्रीफ सी हिस्ट्री बताता हूँ। सुखना झील का जो सरफेस एरिया है वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है और ये 1958 में
शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आने वाली मौसमी धारा जिसका नाम सुखना है, सुखना चोई पर बांध बनाकर बनाई गई थी। मूल रूप से मौसमी प्रवाह सीधे झील में प्रवेश करता था, जिससे झील में बहुत सारी गाद जमा हो जाती थी, लेकिन बाद में इस प्रवाह को रोकने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास 25 वर्ग किलोमीटर की भूमि को अधिग्रहण किया गया और जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए। 1974 में चोई को मोड़ दिया गया और झील को पूरी तरह से बाईपास करके झील में जो गाद जमा होती थी वो साइड में रह गई, जिससे झील में गाद ना के बराबर आती है। झील का जो निर्माण था वो एक आर्किटेक्ट ली कोर्बुजिए और मुख्य अभियंता एल वर्मा ने किया था। इसकी शांति को बनाए रखने के लिए कोर्बुजिए ने दो बातों पर जोर दिया था कि मोटर बोट का इस्तेमाल पानी में घूमने के लिए नहीं होना चाहिए और वाहनों के आवागमन पर भी रोक होनी चाहिए। झील के दक्षिण में एक गोल्फ कोर्स है और पश्चिम में चंडीगढ़ का नेकचंद पार्क, नेकचंद रॉक गार्डन, जो कि बहुत ही मशहूर है। यहाँ आने पर आप क्या क्या कर सकते हैं? एक तो बोटिंग का आप आनंद ले सकते हैं। इस झील के परिसर में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, एंट्री जो है वो फ्री है, परंतु अगर बोटिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग फोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक आइडिया है। यहाँ पर सनसेट देखने के लिए भी लोग आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स जो हैं वो सनसेट के टाइम बनते हैं, मैजिकल एक्सपीरियंस जिसका आप ले सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए भी लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। सर्दियों के टाइम में जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, डक्स, क्रेन्स, स्टॉर्क्स यहाँ पर आते हैं, तो लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, टेलीस्कोप से भी पक्षियों का अवलोकन करते हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग भी यहाँ पे होती है, साइकिलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, साइड में नीचे एक ट्रैक बना हुआ है साइकिल्स के लिए। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल स्केच बनाने वाले यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में आप अपना पेंसिल स्केच बनवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वेंडर्स चले रहते हैं और फिक्स शॉप्स भी हैं जहाँ से खाने का सामान आप परचेज कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि कोई भी रैपर, कोई भी जो रेजिड्यू बच जाता है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, वो एक डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि चारों ओर
सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं। अगर कोई इस तरह से फिल्थ फैलाता हुआ, गार्बेज फैलाता हुआ पाया गया तो एक्शन हो सकता है। यहाँ पर बोटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बोटिंग के लिए लोग हमेशा ये पैडल बोट्स से ही चलती हैं, पैडल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ क्रू भी हैं तो वो मोटराइज्ड हैं, पर ज़्यादातर पैडल बोट्स हैं।